अब स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। देखते हैं एसएससी ने क्या क्या क्वेश्चन अच्छे इसमें चैप्टर में पूछ रखे हैं। सबसे पहले बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन ए सर्किट टू ब्लॉक डीसी। देखो दो तरह की करंट होती है, एक करंट होती है एसी करंट, एक करंट होती है डीसी। एसी है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि घरों में सिंपल जितने हमारे अप्लायंसेस घरों के अंदर चलते हैं प्लग से, ये इसको इस तरीके से शो करते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है प्लस और माइनस। डीसी जो करंट होती है सेल या बैटरी में जो स्टोर करंट होती है वो है ये मेनली सेल या बैटरी वाली करंट। सर्किट में इसको इस तरीके से जब बैटरी दिखाई जाती है, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो यहां से ये करंट फ्लो होती है, ये डीसी करंट और ये एसी करंट। क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी को ब्लॉक करना है अगर तो किसका यूज करें सर्किट में। तो देखो एक चीज याद रखना आपको, अगर हमने किसी भी सर्किट के अंदर ये एक बैटरी लगा देते हैं, ये एक सर्किट बनाया हमने, प्लस से माइनस इस तरह से करंट फ्लो होती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है। ये हमने एक लगा रखा है कैपेसिटर, इसको बोलते हैं हम संधारित्र कैपेसिटर। और जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, इसको नहीं जाने देता, लेकिन कैपेसिटर एसी करंट को जाने देता है, एसी को फ्लो करने देता है। तो आंसर तो हमें मिल गया कि अगर ब्लॉक करना होता है डीसी को तो हम यूज किसका करेंगे, कैपेसिटेंस का या कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र कहते हैं इसको, इसका यूज करेंगे संधारित्र को, ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को ये जाने देता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जैसे ही ये करंट यहां पर जाएगी तो इसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और दूसरी नेगेटिव है। जब ऐसा एक बार हो चुका होगा तो उसके बाद अब ये इस करंट को नहीं जाने देगा, जब ये फुल्ली चार्ज है तो ये डीसी करंट को अब नहीं जाने देगा, अब ये पूरा चार्ज हो चुका है। और कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करके रखना, तो ये चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो एक बार डीसी करंट गई उसको फिर ये रोक लेगा, यानी सेल और बैटरी वाली करंट को ये नहीं जाने देगा, ब्लॉक कर देगा एक बार फुली चार्ज होने के बाद। लेकिन एसी जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, तो एसी करंट को ये जाने देता है। कारण एसी करंट जैसे ही यहां से जाएगी तो एक बार प्लेट पूरी की पूरी पॉजिटिव हो चुकी है और दूसरी नेगेटिव है। अब जब एसी करंट आएगी, एसी करंट खुद की जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, खुद को जब प्लस से माइनस चेंज करेगी, अल्टरनेट करेगी, तो ये प्लेट्स भी तो अल्टरनेट हो जाएंगी, जो एक बार पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। तो एसी करंट को तो ये जाने देता है बट ये डीसी करंट को नहीं जाने देता। लेकिन एक दूसरी डिवाइस होती है जिसको हम प्रेरकत्व इंडक्टेंस बोलते हैं, उसका सिंबल सर्किट में ये होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। अगर मैं इसको कहूं इंडक्टेंस है ये, प्रेरकत्व बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस होता है ये सर्किट में क्या काम करता है, तो ये इसका अपोजिट काम करता है, यानी ये एसी को नहीं जाने देता, ये डीसी को जाने देता है। तो आपको दो कंसेप्ट मिल गए हैं, कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र जो होता है, एसी को जाने देगा बट इंडक्टेंस एसी को नहीं जाने देगा, और ये डीसी को जाने देगा, ये कैपेसिटर डीसी को नहीं जाने देगा। तो हमारा क्वेश्चन, डीसी डायरेक्ट करंट जो सेल बैटरी की होती है उसको कौन ब्लॉक करता है, तो उसको कैपेसिटर ब्लॉक करता है, संधारित्र ब्लॉक करता है, और वो कैपेसिटेंस पर आधारित होता है, जिसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरड। ये याद रखना आपको, फैरड इसकी यूनिट होती है, फैरड, फैराडे नहीं, फैरड। तो ये एक अच्छा इसके यूनिट है, ये याद रखना आप, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, तार का जो प्रतिरोध है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस देन इट्स रेजिस्टेंस। एक प्रतिरोध तार, उसकी लंबाई बढ़ा रहे हो आप तो उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। सीधी सी चीज है, एक तार था, एल लेंथ थी, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, सपोज करो 2L 3L कुछ भी कर दी, बढ़ा दी, तो पूछ रहा है कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता क्या है, किसी भी वायर के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो करंट के फ्लो में जो भी अपोज करेगा, जो इसको अपोज करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, आर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पूछ रहा है लेंथ पे, तो देखो प्रतिरोध जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तार की आपने लंबाई बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और यूनिट क्या होती है इस प्रतिरोध की, ओम। तो ओम इसका मात्रक है, ये इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल, द स्पून इज, यदि किसी चम्मच को निकल से विद्युत लेपन करना है तो चम्मच को हम क्या बनाएंगे, एनोड या कैथोड, ये सब क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी एक चीज बताता हूँ आपको, एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जो होता है या वोल्टेइक सेल कहते हैं इसको हम। इस सेल की प्रोसेस क्या होती है कि इस सेल के अंदर अगर क्वेश्चन में से क्या क्या रहा है वो समझते हैं। एक स्पून है जिसको आपको निकल चढ़ाना है, निकल उसके ऊपर, निकल मेटल आपको उस चम्मच के ऊपर चढ़ानी है। तो देखो एक तो हमें लेना पड़ेगा प्योर निकल, और एक ले लेंगे हम ये वाली, कोई स्पून समझ लीजिए आप इस तरीके से, कोई स्पून होगी ये, और इनको हम एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। अब ये है प्योर निकल और ये है स्पून। तो देखो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमें क्या चाहिए कि इस प्योर मेटल से निकल आयन जो है वो चले जाएं कहां पे, यहां पे स्पून के ऊपर, और स्पून पर धीरे धीरे निकल आयन आकर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, ये जो क्वेश्चन कह रहा है। तो सीधी सी चीज है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रोसेस बनाना है तो आप इसको कहां रखोगे, कैथोड बनाओगे एनोड बनाओगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एनोड जो होता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। तो देखो निकल प्योर था, निकल प्लस आयंस के अंदर टूट गया, एक्चुअली में निकल का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये निकल, निकल प्लस टू, ये यहां से जा रहे हैं कहां पे, यहां पे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यहां हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। दैट मींस आप उस स्पून को कैथोड पे रखो तभी तो उसका रिडक्शन होगा, और यहाँ प्योर जो निकल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो कौन से टर्मिनल पे होगा, नेगेटिव, ये कौन से बैटरी से जोड़ोगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये निकल यहां जाकर के डिपॉजिट होता जाएगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, तो याद रखना जिस भी चीज पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होगी, चाहे क्वेश्चन सिल्वर का हो, निकल का हो, किसी का भी हो, आप उसको हमेशा क्या बनाओ, कैथोड, बिकॉज कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल स्पून को आप कैथोड बना दो और प्योर निकल रोड है जो उसको आप एनोड बना दो, तभी तो वहां से निकल प्लस टू आयंस निकलेंगे और वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सल है, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन। देखो जब किसी हम कॉइल को, कुंडली को मैग्नेटिक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो एक करंट इंड्यूस होती है, धारा प्रेरित होती है, इस घटना का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखो एक कंसेप्ट है, फैराडे का लॉ है, वो यही स्टेटमेंट देता है। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉइल है और आप इस कॉइल के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसके पास में लेकर के आते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर एक करंट इंड्यूस होती है, तो वो जो करंट इंड्यूस होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये लॉ तो हो गया फैराडे का। अब इसका यूज कहाँ किया जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो आपको याद रखना है कि जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर जो होते हैं उनकी यही मैकेनिज्म होती है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं कि उनको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर करंट इंड्यूस करवाते हैं। तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही है, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, दो लॉज हैं उसके, उस पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, याद रखना आपको जनरेटर। ज्यादातर इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि कुछ नियम होते हैं उन पर आधारित होते हैं, लॉजिक वगैरह इतने नहीं है, बाकी सब चैप्टर्स में तो कहीं ना कहीं लॉजिक आता है। इस चैप्टर में ज्यादातर आपको लॉज पता होंगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। When a bar magnet is cut into two equal half, the pole strength of the each piece. जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटते हो, देखो कोई भी एक मैग्नेट थी, आपने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाती है। और ये जो दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन गई ना, वो तो गई है हाफ, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ थी इस एक की मैग्नेट की, बड़ी मैग्नेट की, और इन दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी वही रहती है जो पहले थी। स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि आधी हो गई है, स्ट्रेंथ तो अभी भी वही रहेगी ना, दो मैग्नेट इंडिपेंडेंट बन गई है। तो आंसर क्या हो गया, रिमेन्स द सेम, स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ मैग्नेट हैज थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कोल्ड, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो। देखो आपको पता है मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, दो पोल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, वो इस तरीके से यहां से ऐसे ओरिजिन होती है। कई बार क्या होता है ना, मैग्नेट को मैग्नेट के पास रख देते हैं, साथ में रख देते हैं, तो गलती से एक और पोल ऐसे जनरेट हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक तीसरा पोल और जनरेट हो गया तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो आपको याद रखना है उसको नाम हम देते हैं कॉन्सिक्वेंट पोल, परिणामी ध्रुव, और इससे ये मैग्नेट थोड़ी सी बेकार हो गई है, डिफेक्टिव हो जाती है। तो थर्ड पोल जो होगा, अगर वो क्रिएट हो गया, एक मैग्नेट को काफी समय तक दूसरी मैग्नेट के साथ रखते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कॉन्सिक्वेंट पोल बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट बाय सराउंडिंग देम विद, उपकरणों को किससे घेरकर बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। एक तरीके से कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको इनमें से कौन सी चीज रोक लेगी। तो देखो आपको याद रखना है कि रबड़ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इम्परमिएबल का काम करता है, उसको पार नहीं कर पाता है, तो शील्ड की तरह काम करता है, तो रबर की जो शील्ड होती है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज रीजन वही है कि इम्परमिएबल होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखी होंगी उसमें एक फ्यूज का तार लगा हुआ होता है। आजकल इन्वर्टर वगैरह सबके अंदर एक ग्लास की ऐसे ट्यूब आती है इस तरीके की, और उसके दोनों एंड पर ऐसे मेटल लगा हुआ होता है, ऐसे बीच में एक बहुत पतला सा तार दिख रहा होता है आपको, हर जगह लगा हुआ होता है ये। तो जब भी कभी ये चीज फ्यूज हो जाती है आप उसको बदल देते हो, तो फ्यूज वायर जो है उसका पूछ रहा है किस किसका बना हुआ होता है। तो फ्यूज वायर एक एलॉय है, दो मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, वो कौन कौन से मेटल हैं, तो आपको याद रखना है टिन और लेड, सिंबल इनके होते हैं SN एंड PB, कई बार सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है टिन और लेड। तो टिन हो गया, हिंदी में इसको शीशा कहते हैं, शीशा नहीं शीशा, लेड, इन दोनों से मिलकर के फ्यूज वायर बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा, गलनांक अगर कम होगा, तो थोड़ी सी भी हीट अगर जनरेट हुई, थोड़ी सी भी ऊष्मा जनरेट हुई, तो ये तार पिघल जाएगा, पिघलते ही ये सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो करंट बहना बंद हो जाएगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो ये फ्यूज वायर थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इन दो चीजों को याद रखना, लेड और टिन, इनसे मिलकर बना होता है ये सर्किट्स में, सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये खुद पिघल जाएगा लेकिन सर्किट को आगे कंटिन्यू करंट नहीं भेजने देगा। नेक्स्ट देखते हैं। द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स करंट इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में धारा को कौन प्रवाहित करता है, कौन कंडक्टर है। देखो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड जो होता है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट की चेन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, हर एक चेन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिस भी किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब गति करते हैं तो करंट बहने लग जाती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए ना करंट फ्लो करने के लिए। डायमंड का वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है और वो फ्री नहीं रहता, तो अगर फ्री नहीं है तो गति कैसे करेगा, बंधा हुआ है वो, तो इसलिए हीरा
सॉलिड होता है लेकिन करंट फ्लो नहीं करता है, ग्रेफाइट कर सकता है फ्लो आराम से, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा फ्लो करता है, आयोडीन सोडियम क्लोराइड ये सब नहीं करते फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज विद्युत धारा का सुचालक है, यानी जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ज्यादातर मेटल्स होते हैं इसके उदाहरण, ड्राई एयर, पेपर, केरोसिन, ग्रेफाइट। देखो आंसर ग्रेफाइट लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है, ग्रेफाइट है। अभी हमने बात की थी ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कार्बन कॉपर रूप है ये, और इसको हम ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम लेते हैं, शुष्क स्नेहक की तरह काम करता है ये, तो ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल W, टंगस्टन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का क्यों उपयोग करते हैं? देखो तो बल्ब आपने सबने देख रखा है, बल्ब के अंदर एक इस तरीके से फिलामेंट लगा होता है, इस फिलामेंट की बात हो रही है, तो ये जो फिलामेंट है इसकी मेटल टंगस्टन होती है, तो पूछ रहा है टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या एक अच्छा कंडक्टर है? तो कंडक्टर तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट तो सिल्वर है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर याद रखना है चांदी होता है, सिल्वर सस्ता है, मैलिएबल है, मैलिएबल वो चीज होती है जो अपनी शेप बदल सकती है, इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल है ये, 3422 लगभग, कितना ज्यादा, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, यानी इस हाई टेम्परेचर में जाकर के मेल्ट होगा, तो बल्ब काफी समय तक जलता रहेगा, तो हमें एक ऐसी मेटल चाहिए ना जो गर्म होकर के पिघल ना जाए, तो हम इस वजह से टंगस्टन यूज कर लेते हैं, तो मेन रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, देखो एसी करंट जो घरों में यूज की जा रही है वो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से सिंबल है, डीसी होती है डायरेक्ट करंट जो सेल या बैटरी से निकलती है, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन पूछ रहा है इस करंट को हम इस करंट में कैसे बदलते हैं, तो देखो एक डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी बोलते हैं इसको, दिष्टकारी हिंदी में दिष्टकारी, ये जो रेक्टिफायर होता है इसका यही काम होता है, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, तो आंसर तो हमें मिल गया है रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में बदलता है। जैसे इसका एक यूज बताऊं आपको, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल के चार्जर को आप प्लग में लगाते हो उसको एसी करंट मिल रही होती है, लेकिन आपके फोन की बैटरी जो है वो तो डीसी करंट से चार्ज होगी, तो मोबाइल में लगा रेक्टिफायर इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा और आप फोन यूज कर सकता है उसको, तो रेक्टिफायर वहां इंस्टॉल होगा। अब देखो रेक्टिफायर दो तीन तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव और ब्रिज, तीन तरीके के होते हैं, इसमें आप इनपुट देते हो जब रेक्टिफायर को, इसका उदाहरण क्या है, अगर उदाहरण बोलूं तो डायोड्स जो होते हैं जंक्शन डायोड वो सब इस तरह का बिहेव करते हैं, उसको अगर आप इनपुट दे रहे हो एसी करंट का, एसी करंट इस तरीके से होती है, एक प्लस एक माइनस इस तरीके से होती है, उसको वो एक डीसी करंट के अंदर बदल देगा, ऐसे डीसी करंट के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई, आउटपुट मिला डीसी के तरीके से, तो रेक्टिफायर यही काम करता है। और अगर मैं उल्टा बोलूं डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस का नाम क्या होता है, इन्वर्टर, तो आपके घरों में जो इन्वर्टर रखा होता है मेनली उसका काम क्या है, डीसी करंट को जो बैटरी में स्टोर करंट है उसको एसी कन्वर्ट कर देना, और आप फिर उसको यूज कर सकते हो, उससे बिजली पंखे चला सकते हो, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट द, मेन स्विच बंद कर देते हैं तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल। देखो करंट का एक रूल है, करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट के अंदर ही बहेगी, अगर सर्किट कहीं से भी ऐसे ब्रेक हो गया, टूट गया है, ओपन हो गया है सर्किट, तो करंट कभी नहीं फ्लो होती, करंट को हमेशा एक क्लोज सर्किट चाहिए होता है। और आपको पता है न्यूट्रल जो वायर होता है, न्यूट्रल तार का काम केवल और केवल सर्किट को जोड़े रखना होता है, लाइव वायर के साथ जोड़े रखता है वो, केवल उसका काम ये है, तो जैसे ही लाइव वायर को न्यूट्रल वायर से हम हटाएंगे वैसे ही सर्किट टूट जाएगा, अब सर्किट क्लोज नहीं रहा, सर्किट खुल गया है, खुले सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती, तो जैसे ही आप मेन स्विच ऑफ करते हो उसका काम सिर्फ सर्किट को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, और वो लाइव और न्यूट्रल वायर का काम था सर्किट पूरा करना बस, तो सेपरेट कर देता है, तो सर्किट टूट गया,
तो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो है उनको अलग कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू, पदार्थों में चुंबकत्व किस कारण पाया जाता है? आपको सबको पता है मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है। ये पूछ रहा है ये गुण क्यों पाया जाता है इसमें। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं करंट क्यों फ्लो होती है, तो आप कहते हो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा करंट फ्लो होती है। तो मैग्नेटिज्म क्यों होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर सर्कुलर मोशन करते हैं तो उनके सर्कुलर मोशन की वजह से वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकत्व जनरेट हो जाता है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट रुके हुए नहीं होते, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो सर्कुलर मोशन ही है रीजन मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट व्हेन देयर इज ए हाई राइज इन, अधिक ऊंचाई होने पर, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, किस चीज की मात्रा अधिक होने पर हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है? तो आपको पता है कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज का तार जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, अगर उसके अंदर से थोड़ी सी भी हाई करंट चली गई, थोड़ी सी भी हाई करंट जाते ही हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होते ही वो तार पिघल जाएगा। तो दैट मीन्स अधिक करंट की वजह से वर्तमान में विद्युत धारा थोड़ी सी भी ज्यादा जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। लेड और टिन का बना हुआ होता है ये फ्यूज का तार। नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, पंखे की अगर आपको गति बदलनी है तो किसका प्रयोग करते हो? डिवाइस का नाम आप सबको पता है, रेगुलेटर उसको कहते हैं। तो रेगुलेटर का काम है ये, रेक्टिफायर का काम मैंने आपको बताया था, एसी करंट को डीसी करंट में बदल देना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, विभव को नियंत्रित करते हैं। दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई। इसका काम है आउटपुट वोल्टेज को अप कर देना, बढ़ा देना, इसका काम है आउटपुट वोल्टेज को कम कर देना। ये तो हमने बेसिक बातें ट्रांसफार्मर की देख ली। अब ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको याद रखना है म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम कहते हैं पारस्परिक प्रेरण। इसका मतलब कैसे होता है, तो देखो ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है जो सॉफ्ट आयरन का, नरम लोहे का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स लगी हुई होती है। और ये जो टर्म है म्यूचुअल इंडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर, जो भी इंडक्टर होते हैं उनकी एबिलिटी है क्या कि एक सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज है उसको दूसरे सर्किट के अंदर इंड्यूस करवा देना। तो इसको हम कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो एक से दूसरे के अंदर इंड्यूस करवा देना, ये कहलाता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। म्यूचुअल इंडक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो ये ट्रांसफार्मर का है वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो देखो ट्रांसफार्मर जो है ना केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही काम करता है। आपने देखा ट्रांसफार्मर बाहर खंभों पर लगा हुआ होता है और हमारे घरों के अंदर सप्लाई आ रही होती है, वो कौन सी सप्लाई आ रही होती है? एसी करंट ही तो आ रही होती है, डीसी करंट तो बैटरी वाली है। तो एसी करंट जो है उसी के साथ ट्रांसफार्मर काम करता है, डीसी के साथ काम नहीं करता, दोनों के साथ, डीसी के साथ नहीं करेगा काम, सिर्फ एसी के साथ काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज तार की क्या प्रकृति होती है? देखो एक तो हमने बात की थी कि फ्यूज तार, तार जो होता है उसमें जब हाई करंट जाएगी तो जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है इसका, जिस पर ये गल जाएगा, वो तो बहुत ही कम होना चाहिए, तभी तो जल्दी गलेगा ये। तो एक तो हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध वो चीज है जो करंट के फ्लो में, रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है, यानी इजीली करंट को बहने नहीं देगा। तो सोच के देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस तार का होगा वो करंट को बहने नहीं देगा, और करंट लड़ाई झगड़ा करके बहना चाहेगी, और इस लड़ाई झगड़े के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जनरेट होने लगेगा, और वही तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए जिससे ये तार पिघल जाए। दैट मीन्स अगर हमें
लो मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट को वर्क करवाना है कि कोई ना कोई थोड़ा सा तार गर्म हो ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो गर्म होने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि करंट इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे और जूल के हीटिंग लॉ से ये तार पिघल जाए। तो आंसर हमें क्या मिल गया, मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए, रेजिस्टेंस हाई चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, धातु के तार में विद्युत धारा किसके प्रवाहित होने के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन, बार बार हम बात कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जब गति करने लगेगा तो करंट बहने लग जाती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा को तो फ्लो कर देगा उसका तो अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा उसका बुरा चालक है, कुचालक है। तो देखो आपको याद रखना है, अभ्रक जो होता है माइका, ये हीट का तो, हीट को तो फ्लो कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो नहीं कर पाता, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, उपकरण होते हैं, उसके अंदर भी माइका का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को तो फ्लो करने नहीं देगा, तो करंट के झटके वगैरह नहीं लगेंगे, लेकिन हीट को ये फ्लो कर सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो माइका जो है अभ्रक, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक का वो फ्लो करता है दूसरे को नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं, सेम कंसेप्ट लगभग लगभग डायमंड का भी है, कि डायमंड भी हीट को तो फ्लो कर देगा बट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पाता है, ग्रेफाइट करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी, घटती चालकता का क्रम, घटता क्रम मतलब सबसे पहले जो होगा वो हाईएस्ट शो करेगा कंडक्टिविटी को। तो अभी मैंने बताया था सिल्वर जो है चांदी, वो सबसे अच्छी हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कंडक्टर है। तो सिल्वर हमें ढूंढ लेना है और सिल्वर एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो मिल गया। अब सिल्वर के बाद नंबर आता है कौन सी मेटल का, कॉपर का, तांबा, इसके बाद नंबर आता है गोल्ड का, फिर एल्यूमिनियम का। तो ये ऑर्डर होता है पूरा बेस्ट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सिल्वर मिल गया, फिर देखो कॉपर है, फिर इनके बीच में देखा जाए तो गोल्ड भी होता है बट ऑप्शन में नहीं है, तो एल्यूमिनियम और स्टील, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदी में देखो गलत लिखा हुआ है, हिंदी में चांदी पहले होना चाहिए और फिर तांबा होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का कौन अच्छा चालक है। देखो अभ्रक, अभी हमने बात की थी माइका, हीट को तो फ्लो कर देगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, तो क्वेश्चन हीट के लिए पूछ रहा है, तो माइका अभ्रक। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उपकरण का नाम बताओ जो विद्युत धारा परिपथ के अंदर सर्किट में विद्युत धारा को सीमित करता है, रोकता है। तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा था कि फ्यूज ही तो है वो चीज, फ्यूज अगर मेल्ट हो गया तो वो करंट को थोड़ी जाने देगा, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, तो आंसर है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ वायर ऑफ अ केबल इज कनेक्टेड टू, केबल का अर्थ वायर किससे कनेक्ट होता है। देखो अर्थिंग जो की जाती है वो क्यों की जाती है, ताकि जितना भी एक्सेस करंट है, अगर गलती से ज्यादा करंट आ गया है तो वो करंट कहाँ चला जाए, अर्थ के पास चला जाए, बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, अर्थ को कितना भी वोल्टेज दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अर्थ का वोल्टेज कम है, लोएस्ट है, जीरो है, इसलिए अर्थिंग जो होती है इसीलिए की जाती है ताकि आपको झटका ना लग जाए और जो एक्स्ट्रा करंट आने वाला है वो अर्थ के अंदर चला जाए। तो देखो द आउटर मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस, अगर धातु की बॉडी है, मेटल की बॉडी है, उसमें अर्थिंग जो की जाएगी क्या वो उस मेटल बॉडी के टच कर दी जाएगी, तो बिल्कुल यही होगा, ताकि आप अगर हाथ लगा दो उसके तो अर्थिंग का जो वायर है वो उसकी आउटर बॉडी के साथ टच रहेगा, ताकि अगर इस बाहर की बॉडी मेटल के अंदर करंट आया है तो वो करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो अर्थ वायर जो होता है वो मेटल की जो बॉडी का अगर कोई अप्लायंस है तो उसके आउटर पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और लाइव वायर जो होता है वो फ्यूज के साथ कनेक्ट रहता है। तो अर्थ वायर हमेशा मेटलिक बॉडी से टच रहेगा ताकि उस मेटल की बॉडी में करंट आए तो अर्थ के थ्रू नीचे चला जाए, अर्थिंग के थ्रू आपको झटका ना लगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द मेटल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर, विद्युत चालकता सबसे अधिक किस मेटल की बताई थी? सिल्वर, चांदी। हीट की कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चांदी की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट कंडक्टर्स बिकम, धारा के विद्युत धारा के चालन के दौरान कोई चालक जो होता है वो क्या बन जाता है? तो देखो, जब करंट फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है, उस वक्त टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम हो जाते हैं। और अगर सेम हो गया है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सेम नंबर के हैं तो न्यूट्रल कर देंगे। इसका मतलब जब करंट फ्लो हो रही होती है तो जो कंडक्टर है वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बिहेव करता है। तो विद्युत रूप से उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आंसर हो गया ये, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू, धारावाही चालक, यानी कोई अगर तार है, चालक है, उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसका संबंध किससे है? तो आंसर है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिक था ओरस्टेड, उसने सबसे पहले बताया था कि अगर किसी तार से करंट जा रही होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंडक्टिंग वायर इज, सुचालक तार इसमें कंडक्शन कर रहा है, कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी बात की थी हमने, न्यूट्रल हो जाता है। अगर कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है तो कैसा बिहेव करता है, न्यूट्रल, because number of positive, number of negative equal. Next देखते हैं, the process of connecting of wires is called, तारों को अगर जोड़ना है उनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ना या resistance को जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना संयोजन कहलाता है उनका। तो जैसे resistance का जो combination होता है दो तरीके से होता है, series, series में जोड़ दो या parallel में जोड़ दो। सीरीज का मतलब क्या है, लगातार कई सारे रेजिस्टेंस हैं, उनको लगातार इस तरीके से कंटिन्यूअसली सर्किट में ऐड कर दो, लगातार हमने ऐड कर दिया, जाने वाली करंट कॉमन चलेगी इसमें। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग इस तरीके से रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ दिया हमने समांतर, ये लगा दी बैटरी। अब जो करंट जाएगी वो ज्वाइंट से वो डिवाइड हो जाएगी तीन अलग अलग पार्ट में अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस, तो ये कहलाता है पैरेलल समांतर, ये कहलाता है श्रेणी सीरीज। तो दो तरीके का क्या कहलाता है, संयोजन कॉम्बिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है? देखो आपको एक चीज याद रखनी है, मेटल्स जो होती है, कंडक्टर्स जो होते हैं, धातुएं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब, इनमें अगर आप तापमान बढ़ा देते हो तो इनका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो बढ़ जाता है। ये बात तो है प्योर मेटल्स के केस में, जो अच्छे कंडक्टर्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ और रेजिस्टेंस कम हो जाए, ऐसा किसके केस में होता है? तो देखो ऑप्शंस को देखते हैं, ये प्योर मेटल है, मेटल है प्योर, ये एक एलॉय है जिससे हीटर का कॉइल बना हुआ होता है, चिकनी मिट्टी के जो हीटर आते हैं उनके अंदर जो कॉइल होता है, नाइक्रोम का तार होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, एलॉय है, मिश्र धातु है। और मिश्र धातुओं के ऊपर जब चेक किया गया ये कंसेप्ट, तो देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जो रेजिस्टेंस है उस पर लगभग ना के बराबर फर्क पड़ता है, ना घटा ना बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ता ही है, बट वो नेग्लिजिबल होता है एलॉयज में। तो एलॉयज में भी ये बात लागू हो रही है, मेटल्स में भी ये बात लागू हो रही है। तो अब बची ये बात किसको लागू होती है, तो ये बात लागू होती है प्योर सिलिकॉन के ऊपर। शुद्ध सिलिकॉन जो होता है वो इंसुलेटर होता है, यानी वो करंट को फ्लो नहीं करता, लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वहां जाकर के वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, दैट मीन्स आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लग गया, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया।
तुम्हें आंसर मिल चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम किसका होता है, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं अर्धचालक होते हैं, तो प्योर सिलिकॉन वैसे तो इंसुलेटर है, करंट नहीं फ्लो करता, गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग गए। नेक्स्ट देखते हैं, अ पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, इट कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स एंड देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आर तार है, किसी प्रतिरोध का आर है, उसके एन टुकड़े कर दिए बराबर और उनको फिर समानांतर संयोजन में जोड़ दिया गया है, तो इफेक्टिव या प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? देखो, पैरेलल के अंदर जब भी जोड़ा जाता है तो पैरेलल में जोड़ने का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/ में जितने भी पार्ट में आप इसको जोड़ रहे हो। और देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि पूरा आर तार था, हमने उसको एन इक्वल पार्ट के अंदर तोड़ दिया है, तो अगर मैं कहूं कि एक एक पार्ट का, जितने पार्ट टूट गए एन इक्वल पार्ट है, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं आर बाई एन हो जाएगा। तो हमें एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस तो मिल गया, अब हम उसको पैरेलल के अंदर जो नेट फॉर्मूला होता है 1/ रेजिस्टेंस वो ऐड कर देते हैं, तो आर बाई एन दूसरा टुकड़ा होगा उसका भी आर बाई एन, ऐसे करते 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 एन टुकड़े होंगे, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, तो आर इफेक्टिव जो है, नेट जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको हम ये कह सकते हैं लगातार एन टाइम्स। तो अगर यहां से हम बोल दें इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, एन इंटू एन बाई आर, और यहां पर है 1/ आर इफेक्टिव, यहां से मैं कह सकता हूं एन स्क्वायर अपॉन आर, ये है 1/ आर इफेक्टिव। तो अगर इसको हमें आंसर तो हमें ये चाहिए ना, तो इसको ऊपर ले आते हैं, तो इसको जैसे ही ऊपर लाएंगे तो ये वैल्यू भी तो इन्वर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू हमारे पास जो इफेक्टिव नेट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल का, उसकी वैल्यू, आंसर क्या हो गया, आर अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर यही क्वेश्चन सीरीज का होता, सीरीज में बोल रहा होता, तो सीरीज का आर इफेक्टिव सिंपल होता है, डायरेक्ट जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उनको आर बाई एन प्लस आर बाई एन सिंपली जोड़ देते हैं, और पैरेलल में हम उनको रिवर्स करके जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से अगर आग लगी है तो पानी का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, सीधी सी चीज है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है, किसी सर्किट में किसी खंबे पर आग लगी हुई है, आप उसमें पानी फेंक रहे हो, तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, पानी की वजह से झटका लग सकता है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो अगर आपको बुझाना ही है तो आप CO2 के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका यूज करो, CO2 गैस होती है, वो O2 गैस को ऊपर कवरिंग बना लेगी, ऑक्सीजन के ऊपर CO2 आ जाएगी, और जब ऑक्सीजन गैस ही नहीं मिल पाएगी फायर को, तो बिना ऑक्सीजन के तो फायर जल ही नहीं सकती, कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, तो CO2 का यूज कर लो, आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट देखते, मेटल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक। तो देखो, पहले तो समझो लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, घर जो होते हैं, घर की छत पर एक रॉड इस तरीके से लगा दी जाएगी ताकि अचानक से कभी अगर बिजली गिरती है या कुछ भी होता है, और इसकी डायरेक्ट सप्लाई जमीन से कर देते हैं, ये है लाइटनिंग रॉड। पूछ रहा है किस मेटल की बनी होती है, जितना अच्छा ये मेटल कंडक्टिव होगा इलेक्ट्रिसिटी को उतना जल्दी ले जाएगा वहां पर, तो हम चाहते हैं बेस्ट मेटल यूज करें, और आपको पता है बेस्ट मेटल चांदी होती है, पर चांदी महंगी है, तो हम कौन सा यूज कर लेते हैं, कॉपर करते हैं हम जनरली, तो लाइटनिंग रॉड कॉपर की बनी हुई होती है, तांबा क्योंकि तो सेकेंड नंबर पे सबसे अच्छी मेटल है ये चांदी के बाद, तो इसका यूज कर लेते हैं बिजली से बचाने के लिए, घरों के ऊपर लाइटनिंग रॉड बनी होती है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, When two semiconductors of P and N type are brought in contact, they form PN junction, which acts as P और N प्रकार के दो अर्धचालकों को जब जोड़ा जाता है तो PN junction बनाते हैं, जो किसकी तरह कार्य करता है। देखो, मैंने आपको पहले भी एक टॉप जब मैं हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन की, रेक्टिफायर जो होते हैं उसमें मैंने कहा था डायोड्स जो होते हैं PN डायोड, वो भी इसी की तरह काम करता है, तो आंसर तो मैं मिल गया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी कि AC जो करंट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, DC करंट में कर देना, तो जो रेक्टिफायर होते हैं वो अगर फॉरवर्ड बायस के अंदर लगे हुए हैं, फॉरवर्ड बायस में है,
तो वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस शो करते हैं। लो रेजिस्टेंस है तो बहुत करंट अच्छे से फ्लो हो जाती है, लेकिन अगर यही रिवर्स बायस के अंदर लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस इनका हाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और पीएन जंक्शन एक रेक्टिफायर की तरह काम कर देते हैं। थोड़ा सा अगर ये कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, क्या सच नहीं है रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में क्या गलत है। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ वायर, क्या तार के मटेरियल पर निर्भर करता है? बिल्कुल, कॉपर का वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और वही मैं कहूँ अगर आयरन का वायर है लोहे का तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस मैटर टू मैटर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो ये तो करेगा, सही है। तार की लंबाई के साथ समानुपाती, बिल्कुल, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन था, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या ये सही है ये गलत है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो गया है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो मेटल्स के लिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो करंट को फ्लो करना कम कर देते हैं, इसके लिए बात है ये मेटल्स के लिए। लेकिन ये बात अपोजिट किसके लिए हो जाती है, जो सेमीकंडक्टर्स थे अर्धचालक उनके लिए, तो मेटल्स और एलॉय पे यही कंसेप्ट लागू होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, गैल्वेनोमीटर बोल दे या एमीटर बोल दे, दोनों का रिलेशन करंट से है, करंट यानी कि विद्युत धारा से है, तो वोल्ट मीटर बोल देगा तो उसका संबंध विभव से है। तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर, गैल्वेनोमीटर मेनली डायरेक्शन बताता है करंट की, स्मॉल अमाउंट में भी अगर करंट प्रेजेंट है तो उसकी सुई है जो डिफ्लेक्ट कर जाती है, मेनली ये डायरेक्शन बताएगा। और एमीटर जो होता है उसका काम है डायरेक्ट वैल्यू बता देना कि कितने एम्पियर की करंट है, उसको बताएगा। दोनों का संबंध किससे है, करंट से है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो, मल्टी नाम में मल्टी है यानी बहुत सारी चीजें मापेगा ये, तो बिल्कुल इससे करंट मापी जा सकती है, इससे विभव मापा जा सकता है, रेजिस्टेंस मापा जा सकता है, यानी ये सभी की सभी चीजें मापी जा सकती है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, इन एसी सर्किट, एसी मीटर्स मेजर, एसी सर्किट में एसी मीटर इसको मापता है। देखो, याद रखना है एसी जो करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, उसमें दो तीन तरह की वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू को हम बोल देते हैं पीक वैल्यू, एक होती है एवरेज वैल्यू, एक होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और जो मेन मेजरमेंट होता है इसका वो इसी में किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे डिटेल पॉइंट आ जाते हैं इनमें, समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको याद रखना है एसी करंट के अंदर जो आरएमएस वैल्यू होती है वही उसकी मेजर होती है मेनली। तो आरएमएस वैल्यू जो है रूट मीन स्क्वायर, वो आपको याद रखना है। और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में कितनी हर्ट्ज की, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को अगर मापना है कितनी वैल्यू है उसकी, तो अभी हमने बात की थी एमीटर, एमीटर याद रखना आपको। वोल्ट मीटर क्या मापेगा, विभव मापता है। वॉट मीटर जो है वो क्या मापता है, वॉट नाम से ही दिख रहा है, पावर, जो एक्टिव पावर है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर उसको मेजर करता है। एनीमोमीटर किसको मापता है, हवा की स्पीड को, विंड की स्पीड को मापता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का संबंध है करंट से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो देखो, आवेश जो होता है चार्ज, क्यू इसका सिंबल होता है, और इसकी जो यूनिट है वो होती है कूलॉम। कूलॉम वैज्ञानिक था, कूलॉम का नियम दिया था उसने आवेशों पर आधारित, तो इसीलिए कूलॉम उसी का मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द बैटरी, बैटरी की खोज किसने की थी। तो देखो, वोल्ट जो नाम दिया गया है ना, वो एलेक्सेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक था जिसने बैटरी की डिस्कवरी की थी, उसी पे दिया गया है, तो एलेक्सेंडर वोल्टा बैटरी का
एक तरीके से इसने खोज की थी, बनाई थी बैटरी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, शक्ति का मात्रक आप सबको पता है वॉट, तो ये है इलेक्ट्रिक पावर वॉट। वोल्ट विभव की है, पोटेंशियल की, किलो वाट आवर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एनर्जी की है ये यूनिट, एनर्जी की यूनिट है। इसका मतलब जो घर के अंदर मीटर मापता है आपका वन यूनिट, वो यही होती है किलो वाट आवर। एम्पियर आपको पता है करंट की है। नेक्स्ट देखते हैं, फैराड किसकी यूनिट है, देखो फैराडे वैज्ञानिक है, फैराड यूनिट है किसकी, आज हमने बात की थी कैपेसिटेंस, धारिता। कैपेसिटेंस जो होती है, धारिता बोलते हैं हिंदी में इसको, जिस पर आधारित कैपेसिटर काम करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। याद होगा हमने ये बात की थी कि डीसी को नहीं जाने देता है, एसी करंट को जाने देता है ये, ठीक है। तो फैरेड जो होता है कैपेसिटेंस की यूनिट है धारिता की, इसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, देखो अगर मैं कहूं कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से, जिसको आपने अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अगर किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें एक करंट इंड्यूस्ड होती है, एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, और उसी की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखने पर उसमें एक करंट इंड्यूस होती है, और उसी करंट की, इंड्यूस्ड करंट जो है, जो प्रेरित हुई है, उसी की हम डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने बात की थी, रेगुलेटर कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है, आपको पता है कि ये ओम के नियम का स्टेटमेंट था, जहां से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, यही बात बोली थी किसने, ओम के नियम ने। और वो किस पे लागू होता है, तो ओम का नियम लागू होता है कंडक्टर्स पर, चालकों के ऊपर लागू होता है, जैसे मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब पे लागू होता है, तो ओम का नियम चालकों पे लागू हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर का यूज, ट्रांसफॉर्मर का यूज मैंने आपको एक क्वेश्चन में वैसे ही बता दिया था, इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना, और वोल्टेज भी कौन से वाला, एसी वोल्टेज, ना कि डीसी। तो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना है तो हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज, नहीं मिल गया हमें आंसर, सिर्फ इंक्रीज डीसी, डीसी तो करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, ये भी नहीं होगा, एसी टू डीसी, ये तो रेक्टिफायर का काम है, आंसर हो गया ना, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ, बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना था, टंगस्टन, जिसका सिंबल है W, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट था। ये बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट बना हुआ होता है, यहाँ से अगर कहें तो ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का, बल्ब में गैस भरी होती है, कौन सी गैस होती है, आर्गन, क्यों भरते हैं, ताकि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मेथड से इस मेटल का टेम्परेचर जब बढ़ चुका हो तो वो गैस अपने ऊपर ले ले और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसलिए आर्गन गैस भर देते हैं इस बल्ब में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन रिपीट है, कारण क्या था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो वो जो फिलामेंट है वो पिघलेगा नहीं बल्ब का। वॉट इज फील्ड, अभी बात की हमने, बल्ब में क्या भरा होता है, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है ताकि वो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर करवा ले और उस टंगस्टन को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन कर दे ताकि वो पिघल ना सके। फ्यूज वायर कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू द प्रॉपर्टी, फ्यूज वायर तार के गुण पर पूछ रहा है, हमने बात की थी हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ताकि वो जल्दी तो पिघल जाए, और हाई मेल्टिंग रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट टेम्परेचर को राइज करेगी, टेम्परेचर से ही तो मेल्टिंग पॉइंट का लिंक होगा, हाई रेजिस्टिविटी एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए हमें और रेजिस्टेंस हाई चाहिए, प्रतिरोधकता ज्यादा चाहिए।
किसका बना होता है? लेड और टिन का। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी इसके मात्रक पूछ रहा है। देखो तो ये एम्पियर पर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। तो मीटर पर एम्पियर नहीं, एम्पियर पर मीटर, ये किसका होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, ये यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या क्षमता जो होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। ये एक तरीके से बात कर रहा है किसकी? सेल और बैटरी की, कि जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जो डीसी देगा, अंदर कॉन्स्टेंट वोल्टेज रहेगी उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूपीएस, बैटरी, पावर ट्रांसमीटर, जनरेटर। तो देखो आंसर है बैटरी। एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ये काम किसका होता है? बैटरी का। डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, हमने बात की थी पहले भी, कैपेसिटर, संधारित्र, इसका काम क्या है? आवेश को स्टोर करके रखना, ये इसका सिंबल था। डीसी को जाने नहीं देता है ये, एसी को जाने दे रहा था, ये वही है कैपेसिटर। यूनिट क्या थी कैपेसिटेंस की? फैराड, ये हमने बात की थी। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका दिल की धड़कन के दौरान विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो देखो वैसे हार्ट के रिलेटेड पार्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी हमारा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको रिकॉर्ड करता है। तो बाकी स्टेथोस्कोप वगैरह से आप हार्ट बीट वगैरह को सुनते हो, इससे स्फिग्नोमैनोमीटर वगैरह जो है इससे आप एक तरीके से बीपी वगैरह मापते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, गति करता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि करंट की तो बात कर रहा है ये, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है, जो बात तुमने पहले भी की थी, उसको ऑरस्टेड ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर के, अच्छे क्वेश्चंस थे। एक बार रीड आउट करोगे, काफी सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती है एग्जाम्स के अंदर, तो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन था। बाकी यूनिट्स वगैरह जो होती हैं वो ज्यादातर इस चैप्टर में याद रखनी पड़ती हैं आपको, बाकी जो लॉजिक थे, कंसेप्ट थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। एक दो बार आप इस वीडियो को देखना, एग्जाम के अंदर अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है तो डेफिनेटली सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने उसके आसपास के काफी सारे कंसेप्ट को देखा है। बाकी फिर हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।